हो गया सेट। दिख रहा है सही? यस सर। ओके यस सर। वेरी गुड। तो हमने कल कंडक्टेंस पे छोड़ा था और आज हम कंडक्टेंस से आगे स्टार्ट करेंगे। कंडक्टेंस से आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम सब पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ओम्स का। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ी सी आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा दूं। अब आपको साफ दिख ओम्स लॉ क्या कहता है। क्लास से पढ़ते हो आर तो आई आर होता है। बी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट और आर फॉर रेजिस्टेंस। इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत डिटेल में है। इसके बाद दूसरा टॉपिक होता है रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। इट ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और थर्ड होता है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम सी से दिखाते हैं और ये 1/r के बराबर होती है। सब जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होती है। एल यहाँ पर लेंथ है और ए फॉर एरिया है। इसका मतलब है जितनी वायर की या किसी की भी लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और जितना एरिया कम होगा, ठीक है ना, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। यहाँ पर फिजिक्स में या टेंथ क्लास में क्वेश्चन आते हैं, टेंथ क्लास पास कर चुके हैं, ठीक है ना, और फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि एक हमारे पास ये वायर है और एक ये वायर है। अगर हम घर में कौन सा वायर यूज करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम, इनमें से किस वायर को यूज करने से घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, कोई बता सकता है क्या? नीचे वाला। तो एक वायर यूज करने से घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट आसानी से फ्लो होगा। आपने देखा होगा चाइनीज जो आइटम आते हैं उसमें बहुत पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम उनको यूज करते हैं तो वो हमारा और हमारी कंट्री दोनों का नुकसान करते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि इससे बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। वो जितने सस्ते आते हैं उतनी बिजली ज्यादा खा जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो ये रो आ जाती है, जो फिजिक्स के लिए बहुत ही छोटी सी और कॉमन सी बात है, ठीक है ना। और रो को अगर हम अरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए बाई आई। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ तक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है क्योंकि यहाँ तक फिजिक्स में ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ। फोर्थ पॉइंट का नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आजकल बुक्स में स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम बहुत रेयर देखने को मिलता है या सिर्फ एग्जाम में मिलता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम कंडक्टिविटी, और इसको हम कप्पा से कहते हैं और कप्पा थोड़ा के को स्टाइलिश बना देते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल कप्पा होता है। अब यह होती क्या है देखना, इसकी डेफिनेशन आ जाती है।
कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फिजिक्स में या ऐसे ही सिस्टम में मीटर क्यूब ले लें, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस डेफिनेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? कंडक्टेंस ऑफ आयंस, कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको फिजिक्स में ऐसे समझाते हैं कि हमने एक दो इलेक्ट्रोड लिए, इस इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रोड जिनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उनकी कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और कप्पा जो है वो 1/ρ के बराबर होती है, 1/ρ के बराबर, और रो अभी अभी हम निकाल कर आए, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/r × l/a। 1/r हमने अभी अभी यहाँ निकाला है, इसको कंडक्टेंस कहते हैं। तो 1/r की जगह तो हमने लिख दिया कंडक्टेंस, सी लिखने की बजाय कंडक्टेंस ही लिख दिया। और l/a को कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस का सिंबल हो गया सी, और एनसीईआरटी में सेल कांस्टेंट को जी स्टार से दिखाते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस के ऐसा यूनिट एस होती है, सीमेंस, और सेल कांस्टेंट की यूनिट मीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर मीटर आ जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी? सीजीएस में इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने के काम आता है, मतलब हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए या ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और या फिर न्यूमेरिकल आएगा, या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, और नहीं तो तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट। तो इसको बच्चों ध्यान से समझ लें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आए हुए, क्योंकि इलेक्ट्रो में से बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया है, बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया, और इफेक्टिवली जो आज हम पढ़ रहे हैं मेरी समझ में तो बस यही बचा है, मेरे समझ में तो बस यही बचा है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम अगर हुए तो, ठीक है ना, अगर हुए तो इस ये तो आना ही आना है 2021। कुछ बच्चे कहेंगे 2021 में ही आया था, आप समझना ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन होती। डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो नोट, अभी हम सिर्फ बॉट पढ़ रहे हैं, अभी वाई नहीं पढ़ा है, और साइंस मेरे हिसाब से ऐसे ही पढ़ना यूजफुल रहता है कि सबसे पहले हम ये याद कर ले होता क्या है। क्यों नहीं, बच्चे क्यों पर पहले ध्यान देने लगते, नहीं, वो दूसरा स्टेप है। डाइल्यूशन इंक्रीजेस द ऑल कंडक्टेंस, ये लाइन
अगर याद कर ली तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डाइल्यूशन बढ़ाने पर सारी कंडक्टेंस बढ़ जाती है एक्सेप्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टर। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे पर बच्चों ने ये याद कर लिया और टीचर बदमाश होता है तो टीचर ने क्या किया, कंसंट्रेशन से देना शुरू कर दिया है। आजकल एग्जामों में कंसंट्रेशन से आने लगा है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सारी कंडक्टेंस कम हो जाएगी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से देखना। हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लिया और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को डाल दी, इलेक्ट्रोलाइट इसमें टूट जाएगा। सपोज कर लो उस इलेक्ट्रोलाइट ने इसके अंदर कितने आयंस प्रोड्यूस कर दिए, कितने आयंस बनाए, चार। कितने आयन बनाए, चार आयंस बनाए। किसी को डाउट तो नहीं, चार आयंस में हाइपोथेटिकली हमने लिख दिया है। तो इन 4 आयंस की कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी थी वो ये थी, कंडक्टेंस ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस हैं, हाउ मेनी आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। फोर। फोर इसकी कंडक्टेंस को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का देसी मतलब होता है पानी मिला दिया, और कितना पानी मिलाया है, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब एक तो था, एक और मिला दिया, तो अब 2 क्यूब बन जाएंगे। 1 1 सेंटीमीटर के 2 क्यूब मिल जाएंगे। जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है वो जानता है पानी मिलाने से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटता है, पानी मिलाने से इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिकम्पोज होता है। तो इसके जो 4 आयंस थे वो बढ़कर 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखना और बताना कितने हो गए इसके टोटल आयंस। टोटल आयंस की नंबर 6 हो गई, जबकि पहले से 4 ही आयंस थे। पर 1 क्यूब में आयंस कितने रह गए, थ्री। और इसमें भी 3। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए पर 1 क्यूब में आयंस की नंबर कम हो गई। तो जब हम डाइल्यूट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। तो आप कहीं पे नोट लिख सकते हैं। अब आया वाई, ठीक है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइंस पढ़ने का तीसरा होता है हाउ, ये हम लैब में करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि एग्जाम में क्या आएगा, या तो व्हाट आएगा या व्हाई आएगा, हाउ तो आ ही नहीं सकता। अब हमें लैब में जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल। किसी को इतने टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते। सर, ये 4 से 3 कैसे हुए इसमें? 4 से 3 बेटा ऐसे हो गए, ओवरऑल तो 6 हो गए। तो तो सर, ये 2 आयन एक्स्ट्रा कहाँ से आए? ओवरऑल तो बढ़ गए, पर 6 का डिवीजन करेगी तो 1 क्यूब में कितने है? क्या ये 2 आयन एक्स्ट्रा कहाँ से आए?
बताते हैं, पहले इसमें सॉल्ट था, जैसे NaCl है ना, NaCl के हमने 5 मोल लिए, समझ लिया, हम समझाते हैं स्टेप्स। पहले क्या था, दो ही है मोल, दो मोल NaCl टूटे तो दो तो Na बन गए और दो Cl बन गए, तो बता कितने आयंस बन गए, कितने आयंस है, चार हो गए ना। हाँ। अब हमने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने से अब पांच, दो की बजाय तीन NaCl टूट गए, तीन NaCl टूट गए तो कितने आयंस बन गए। अब कोई बच्चा मालूम क्या कहेगा, हम और पानी मिला देते तो चार तो हो सकते हैं, नहीं, वाटर मिलाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 100% इंक्रीज नहीं होती है, डाइल्यूट करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 100% इंक्रीज नहीं करेगी, तो कभी भी एक क्यूब में पार्टिकल चार से ज्यादा, मतलब चार नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग दिमाग चलाएंगे कि और पानी मिला दे तो छह की बजाय आठ हो जाएंगे, नहीं, आठ होने का मतलब है ये 100% टूट गया, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% बढ़। अब देखो पूरा टॉपिक आपके सामने बोर्ड पे है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींचो, आप चाहो तो कुछ ना खींचो। सर ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, अब तो यार ठीक आ रहा है यार, हमारे में तो ये तो यार तेरे नेट वाली गल, जो कल हमारे गड़बड़ हो रही थी वो आज तेरे हो रही, हम भेज देंगे, चल आज पहली बार हमने स्क्रीनशॉट खींचा, देखते किस्ता भी है। अरे खिंचा भाई, हाँ पता ही नहीं खिंचा कि नहीं। तो हम सोच समझते हैं आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, और हम चलेंगे नई कंडक्टेंस के, नई कंडक्टेंस का नाम है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। इसको दो टाइप के सिंबल से दिखाया जाता है, कुछ बुकों में लैम्डा एम होता है ऐसा, और कुछ बुकों में ऐसे दिखाया जाता है, दोनों ही एक ही बात, दोनों ही एक ही बात। अब ध्यान से देखना ये वाली लाइन को, फिर से पढ़ लो, डाइल्यूशन बढ़ाने से सारी कंडक्टेंस बढ़ जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को छोड़कर। तो अगर हमने ये लाइन पढ़ ली तो आप कोई पूछे, आप कोई हमसे पूछे कि बताओ डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टेंस का क्या रिलेशन होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपको ये लाइन याद है तो कि बाकी सारी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, चाहे हमको आती हो या नहीं आती हो, तो डाइल्यूशन से सारी कंडक्टेंस बढ़ जाती है केवल स्पेसिफिक को छोड़कर। यहाँ पे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, कंडक्टेंस निकालने के लिए इसमें से कौन सा करंट हम यूज करेंगे, ये राजस्थान बोर्ड का 12th क्लास का 12th क्वेश्चन, एसी, एसी, तो हम इसमें से कौन सा करंट यूज करेंगे, दिस इज वॉट। अब कुछ लोगों ने एसी बताया है, तो क्या आप बता सकते हैं एसी क्यों, व्हाई डीसी नॉट, अच्छी बात है, क्योंकि सर, हाँ बोले सर, डीसी में ना जो उसकी कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाती है। हाँ ये सही, क्यों चेंज हो जाती है,
सर वो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था इसलिए याद है बस. अच्छी बात है. नहीं हम ये नहीं कह रहे. तो आपको वर्ड पता है, दूसरा भी आप देखना ऐसा क्यों होता है. डीसी क्या है? सिंपल ऐसे चलता है. तो डीसी में क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, और इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस जाकर कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं. तो कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन में आयंस रहते ही नहीं है. जबकि एसी अल्टरनेटिंग करंट है, तो एक स्टेप में वो आयंस को डिपॉजिट करता है और दूसरे स्टेप में वापस से उसको रिकवर कर लेता. तो इसमें आयंस एसी में कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है. ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सा करंट यूज करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सा करंट. डीसी यूज कर एक प्रोग्राम में अगर हमें सजा दे दी जाए कि एक एसी का तार है और एक डीसी का तार है, किसको पकड़ने से हम नहीं मरने के चांस थोड़े कम हो. एसी 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 से कम होंगे, क्योंकि एसी एक बार एसी हमको सही पकड़ेगा बात. और फिर दूसरी बार धक्का मारेगा, जबकि डीसी ने पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं. तो एसी से चांस है, पर अगर डीसी ने पकड़ लिया तो कोई चांस. आप ध्यान से देखना, पोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ आयंस, ठीक है ना, ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सर वीडियो पॉज हो अगर गई. 1 लीटर सॉल्यूशन. हाँ हमें दिख रहा है अब, सही हो गई. 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 1 मोल सब्सटेंस डाल लिया. अब इस 1 मोल से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, इस 1 मोल से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टेंस को पोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. अब ध्यान से बताना, 1 मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन जाएंगे. एक लीटर सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूब बन जाए, 1000 क्यूब बन जाए, क्योंकि हाउस 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. इसमें से एक पार्ट की कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर के कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो 1000 से अगर इंटू कर ले तो क्या निकल आएगी, पोलर कंडक्टर. कंडक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है, कप्पा इंटू 1000 कप्पा की यूनिट हमने आज ही पढ़ी थी कि ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है. ये 1000 वॉल्यूम की जगह रखा हुआ है भैया, तो वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब. और जब हम नीचे आ जाएंगे मोल. सर ब्लर आ रहा है पूरा. हाँ बिल्कुल ब्लर आ रहा है, ये लो ब्लर खत्म हो गया खत्म. तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दिया, तो इसकी यूनिट आ गई ओम, और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल. एक मार्क के क्वेश्चन में बच्चे से ये पूछा जा सकता है कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी. मोलर कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स नीचे सेंटीमीटर इनवर्स.
क्या जेबीपी वाले हमें फोन दे ही नहीं रहे, हमने तो कहा था यार हमारा फोन खराब हो गया तो नया फोन दे दो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन का इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन का इफेक्ट। तो बताओ डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें पर इतना नहीं आता है, इसमें इससे आगे आता है। अब ध्यान से सुनना जो एग्जाम में आता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तो हमें पता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग। तो वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस। तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट कर दें तो बताओ मोलर कंडक्टिविटी को क्या होगा? इंक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब वो पूछेगा व्हाई, क्यों बढ़ जाएगी? तो इसका आंसर होगा बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर दे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। क्यों?